हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स क्लास ऑफ पीजीटी एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द ब्रीफ लिटरेरी कैरियर ऑफ टी एस एलियट। ब्रीफ मीन्स वी आर पॉइंटिंग आउट और वी आर नोटिंग डाउन ओनली द इम्पॉर्टेंट क्रिएशंस ऑफ द डिफरेंट पीरियड्स। एज यू हैव सीन एन पोएटिक कैरियर आफ्टर दैट when the video was closed, we were discuss about the chief characteristics of, but in brief, his plays, and after that we will discuss about his literary, yeah, the period of literary criticism. But before beginning the discussion, note down the right response of the questions which were given to you. सर्वप्रथम आप उन प्रश्नों का उत्तर देख लें जो आपको दिए गए, जो कि वास्तव में किससे जुड़े हुए हैं, मैथ्यू आर्नल्ड से जुड़े हुए। जो टॉपिक चल रहा है वह क्या है, एलियट चल रहे हैं, बशर्ते इन प्रश्नों का उत्तर पहले आप नोट कर लें। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वह था, आर्नल्ड कॉल्स वर्ड्सवर्थ नॉट अ रियल क्लासिस्ट बट अ हाफ क्लासिस्ट। यह क्वेश्चन आपको दिया गया था, आर्नल्ड कॉल्स वर्ड्सवर्थ नॉट, यहां हो जाएगा अ रियल, नॉट अ रियल क्लासिस्ट, नॉट अ रियल क्लासिस्ट बट अ हाफ क्लासिस्ट, बट अ हाफ क्लासिस्ट, यह राइट रिस्पॉन्स है। दूसरा देखें क्वेश्चन नंबर टू, अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड वर्ड्सवर्थ इज नियर टू, अकॉर्डिंग टू टू आर्नल्ड वर्ड्सवर्थ इज नियर टू, तो किसके नियर हैं, नियर टू क्लोसेस्ट इज, नियर टू किसके हैं, यह क्लोसेस्ट इज में है। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन नंबर थ्री है, तीन है, वर्ड्सवर्थ द मोस्ट कंसिडरेबल पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वर्ड्सवर्थ इज द मोस्ट कंसिडरेबल वर्ड्सवर्थ इज द मोस्ट कंसिडरेबल पोएट ऑफ, वर्ड्सवर्थ इज द मोस्ट कंसिडरेबल पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वर्ड्सवर्थ इज द मोस्ट कंसिडरेबल पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट ओनली तो डेथ ऑफ शेक्सपियर, नेक्स्ट ओनली टू डेथ ऑफ नेक्स्ट ओनली टू डेथ ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन एंड जॉन मिल्टन इज अ स्टेटमेंट ऑफ, इज अ स्टेटमेंट ऑफ, यह किसका कथन है, तो यह एम आर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर यहां लिखा जा रहा वह है, वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज द चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री। वर्ड्सवर्थ पोएट्री, वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज द चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश, वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज द चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री इज अ स्टेटमेंट, इज अ
एंड आप किसका है यम, यह किसका है मैं तो आर्नाल्ड का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा जाए, वर्ड्सवर्थ पोएट्री एट इट्स बेस्ट इज, वर्ड्सवर्थ पोएट्री पोएट्री एट इट्स बेस्ट इट एज इनविटेबल इज एज एज इनविटेबल एज एज नेचर हर्सेल एज नेचर नेचर एज इनविटेबल एज नेचर हर्सेल ऑफन नेचर सीम्स टू टेक ऑफन नेचर ऑफन नेचर सीम्स टू टेक सीम्स टू टेक टेक द पेन आउट ऑफ हिज हैंड टेक द पेन आउट आउट ऑफ हिज हैंड आउट ऑफ हिज हैंड एंड टू राइट फॉर हिम हैंड एंड टू राइट फॉर हिम इज ए स्टेटमेंट ऑफ इज अ स्टेटमेंट ऑफ यह किसका कथन है तो यह किसका कथन है यह मैथ्यू आर्नाल्ड का कथन। चले देख ले यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिए गए थे उनका उत्तर लिखा गया है। पहला जो प्रश्न है इज ए स्टेटमेंट ऑफ वो सही छूट गया है नीचे काफी ऊपर हो गया। यहाँ पे मैथ्यू आर्नाल्ड है बोल दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है आर्नाल्ड कॉल्स वर्ड्सवर्थ नॉट अ रियल क्लासिस्ट बट अ हाफ क्लासिस्ट। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ट्राई टू रिमेंबर। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रायः, तो आप इनको याद रखें। पहला प्रश्न क्या है आर्नाल्ड कॉल्स वर्ड्सवर्थ नॉट अ रियल क्लासिस्ट बट अ हाफ क्लासिस्ट या उनको हाफ क्लासिस्ट मानते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्नाल्ड वर्ड्सवर्थ नियर टू तो वर्ड्सवर्थ इज नियर टू क्लासिस्ट बट नॉट अ रियल क्लासिस्ट ही हैज अ क्वालिटी। आर्नाल्ड महोदय ने कहा कि वर्ड्सवर्थ को हम क्लासिकल पोएट तो नहीं कह सकते बट नियर टू क्लासिसिज्म इन्हें रिगार्ड किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ इज द मोस्ट कंसिडरेबल पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट ओनली टू दैट ऑफ शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन हुज स्टेटमेंट इज दिस यह कथन किसका है तो यह कथन किसका है एम आर्नाल्ड मीन्स मैथ्यू आर्नाल्ड का है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज द चीफ ग्लोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री वर्ड्सवर्थ की जो कविता है वह अंग्रेजी साहित्य की प्रमुख विशिष्टताओं में से एक है यह किसका कथन है मैथ्यू आर्नाल्ड का। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ पोएट्री एट इट्स बेस्ट इज एच इनविटेबल एच नेचर हर सेल्फ ऑफ ए नेचर सीम्स टू टेक द पेन आउट ऑफ हिज हैंड एंड टू राइट फॉर हिम इज ए स्टेटमेंट ऑफ वहाँ पे न विजिबल होता होगा तो जो लिखा गया है वह क्या है इज ए स्टेटमेंट ऑफ तो यह किसका स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट है मैथ्यू आर्नाल्ड का। अब चले देख लें जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा था वह क्या चल रहा था इलियट्स लिटरेरी करियर ब्रीफिंग की जा रही थी। ब्रीफिंग माने शॉर्ट में बताया जा रहा था कि पोएटिक करियर इलियट्स पोएटिक करियर इज डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पोएम्स कंपोज बाय हिम ड्यूरिंग दोज पीरियड्स यह जो पीरियड्स डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पोएम्स होता है। जैसे आप देख लीजिए आपने फोर्थ पीरियड को पढ़ा तो वह क्या था द पीरियड ऑफ क्रिश्चियन पोएट्री तो नेक्स्ट क्या हो जाता है द पीरियड ऑफ द रिलीजियस पोएट्री एंड देयर इज डिफरेंस इन द पोएम्स ऑफ द रिलीजियस पोएट्री या पोएम्स कंपोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिलीजियस पोएट्री एंड सर्टेन पोएम्स कंपोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द क्रिश्चियन पोएट्री तो दोनों में अंतर होता है तो इसको यहाँ पे अभी समझाया जा रहा था। अभी जहाँ पे उसके बाद शुरू हुआ था कि शॉर्ट में ही बताया गया था
ही एलियट्स ड्रामेटिक कैरियर. तो व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्लेज ऑफ टी एस एलियट, इट वॉज डिस्कस हियर. यहाँ पर डिस्कशन किया गया था कि जो साइलेंट फीचर्स हैं, प्रमुख विशेषताएँ हैं, मुख्य विशेषताएँ हैं, उनके बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया था. अब उसके बाद देखें तो रह गया था लिस्ट ऑफ हिज प्लेज, जो प्लेज हैं उनकी लिस्ट, क्योंकि उनके बारे में डिटेल डिस्कशन बाद में किया जाता है. तो यहाँ पे जो लिस्ट होती है वह आपको बता दी जाती है कि यह इनके क्या हैं रिमार्केबल प्लेज हैं, वह लिखाना बाकी रह गया था. उसके बाद एलियट्स एज ए क्रिटिक, एलियट्स करियर एज अ क्रिटिक, एज अ मॉडर्न क्रिटिक. उसके बाद आपसे कहा गया था कि डिस्कशन शॉर्ट में ही सही इस पर होगा कि व्हाट इज़ द टू सेंस ऑफ मॉडर्न, मॉडर्निटी, मॉडर्निस्ट एंड मॉडर्निज्म. दीज फोर वर्ड्स कन्फ्यूज द मेंटलिटी, कन्फ्यूज द माइंड ऑफ द रीडर्स एट अ सडन व्हेन दे आर यूज्ड इन डिफरेंट सेंस. सामान्यतया देखें तो हम यह नहीं समझ पाते कि जो मॉडर्न है, जो मॉडर्निटी है, जो मॉडर्निस्ट है और जो मॉडर्निज्म है, इन चारों में अंतर क्या है. संक्षेप में इनके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा. तो फिलहाल जो यहाँ पे चल रहा था वह क्या था, एलियट्स ड्रामेटिक कैरियर चल रहा था. तो एलियट्स ड्रामेटिक कैरियर में इनके जो छोड़े गए थे हिज इम्पॉर्टेंट प्लेज, यह छोड़ा गया था इम्पॉर्टेंट प्लेज वाला जो चैप्टर था. तो यहाँ पे अब लिखा जा रहा है एलियट्स ड्रामेटिक कैरियर. ड्रामेटिक, अब यहाँ पे जो डिस्कशन होगा वह क्या होगा, एलियट्स ड्रामेटिक करियर. जो छूटा हुआ था वह क्या था, जो अभी बताया गया कि शॉर्ट लिस्ट या लिस्ट छूटी हुई थी. तो यहाँ पे लिखा गया है एलियट्स ड्रामेटिक करियर, हिज इम्पॉर्टेंट प्लेज, हिज इम्पॉर्टेंट प्लेज आर एज एज फॉलोज. इनके जो महत्वपूर्ण नाटक हैं वह निम्नवत हैं, द राक, नंबर एक क्या है द राक, इसका डेट कब है 1934 PAGE पजियंट प्ले, पजियंट प्ले या पजियंट ड्रामा. दूसरा मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द CATHED, यह क्या है द रॉक था 1934, मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 बहुत फेमस है, इसको कहीं ना कहीं आपने अवश्य पढ़ा होगा. नेक्स्ट जो थर्ड है इनका वह क्या है, द फैमिली रियूनियन, द फैमिली री, द फैमिली रियूनियन 1939, यह क्या है 1939, यह सब आगे पढ़ाए जाएंगे. यहाँ बस इनकी शॉर्ट टेस्टिंग की जा रही, सूची दी जा रही. नेक्स्ट है द कॉकटेल पार्टी, द COCK, द कॉकटेल, यह क्या है द कॉकटेल पार्टी 1950, यह क्या है 1950 का है. नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ लिखा जा रहा है द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, द COLFI, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, यह 1954, यह क्या है 1954 का है. नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स नंबर पे लिखा जा रहा है द एल्डर स्टेट्समैन, द एल्डर, द एल्डर स्टेट्समैन 1959, यह क्या है 1959. तो अब देखें यहाँ से लेकर के एलियट महोदय का यहाँ तक जो है वह क्या है, यह इनके प्लेज हैं, यह इनके क्या है प्लेज हैं. अब यह जो प्लेज हैं उनमें देखें द राक, यह क्या है हाईली रिलीजियस ड्रामा है, जिसे पजियंट भी कहा जाता है. आपको बताया गया था कि एलियट महोदय ने जब
एंग्लो कैथोलिसिज्म को अडॉप्ट किया या एंग्लिकनिज्म को अडॉप्ट किया, उस समय पे इलियट महोदय से फंड की डिमांड की गई, फंड मीन्स चंदे की डिमांड की गई, बिकॉज ही वॉज न्यूली अपॉइंटेड इन द सॉरी न्यूली अडॉप्टेड दिस ब्रांच ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, यह नया नया अपनाए थे तो इनसे फंडिंग की डिमांड की जाती है, तो इन्होंने क्या किया, दराग को लिख दिया। दूसरा द मर्डर इन द कैथेड्रल द मोस्ट पॉपुलर प्ले रिलेटेड टू द रिलीजन, यह वह नाटक है जो डील करता है, आपने पढ़ा होगा सेंट थॉमस अ बेकेट, सेंट थॉमस अ बेकेट का जो मर्डर था उस पर आधारित है। इलियट महोदय ने रियलिटी रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। नेक्स्ट देखें द फैमिली रियूनियन, तो इनको हम दोनों को छोड़ दें, अ क्लास इन इटसेल्फ, यह दोनों अलग हैं, और दूसरा यह क्या है, यह अलग हैं, यह जितने नाटक हैं इनको देखें तो दे आर रिलेटेड टू द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, रियली दे रिप्रेजेंट द इमोशंस ऑफ द मॉडर्न एज, द मॉडर्न एज व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड द बिग हाउसेस, बिहाइंड द वेल एस्टेब्लिश्ड पीपल, बिहाइंड द लाइफ ऑफ द वेल एस्टेब्लिश्ड पीपल, एंड व्हाट टाइप ऑफ अ सिस्टम ऑफ लाइफ हैज डेवलप्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट, अर्बेनिटी, मॉडर्निटी, ETC। दुनिया में देखें औद्योगिकरण का विकास हुआ, नगरीकरण का विकास हुआ, आर्थिक स्वावलंबन आता है, आर्थिक संपन्नता आती है, इनको मिटा दिया जाता है। उसके बाद किस प्रकार के एक नए समाज का विकास होता है, जहां बाहर से देखें तो एवरीथिंग लुक्स न्यू, एवरीथिंग लुक्स गुड, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लेकिन अंदर से देखें तो कहीं ना कहीं देयर इज ग्रेट अ फील्स फ्रॉम द इनर साइड ऑफ सच हाउसेस सोसाइटी, ऐसे समाज में अगर आंतरिक रूप से देखें तो कितना अपवील्स है, कितना उठापटक है। इलियट महोदय ने आधुनिक समाज का यह जो ढांचा है कहीं ना कहीं देखें डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, उसी को रिप्रेजेंट करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया है। अब शॉर्ट में ही सही देख लें इलियट्स कैरियर एज अ लिटरेरी क्रिटिक, इलियट महोदय का जो कैरियर है एज अ लिटरेरी क्रिटिक, क्योंकि उसके बाद लिखना शुरू हो जाएगा, इलियट एज अ मॉडर्न पोएट, पोएट्री पे फोकस किया जाएगा, मॉडर्न पोएट, तो इलियट्स प्रोज एंड क्रिटिकल पीरियड। अब यहाँ जो हेडिंग डाली जा रही है वह क्या है, इलियट्स प्रोज एंड क्रिटिकल PERIOD, यह जो हेडिंग है वह क्या है, एलियट्स प्रोज एंड क्रिटिकल पीरियड है। यह कब से कब तक स्टैंडर्ड है, 1919 से 1965 अप टू हिज डेथ, जो एलियट्स का प्रोज पीरियड है वह कहां से कहां तक एक्सटेंडेड है, तो एलियट वाज यहां पे लिखा जा रहा है कुछ, एलियट वाज, इलियट वाज अ जीनियस, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जीई सो स्टाइल जीनियस, बिहाइंड पोएट्री एंड ड्रामा, ये ओ है भाई, बिहाइंड पोएट्री, इलियट वॉज अ वर्सटाइल जीनियस, सो बिहाइंड पोएट्री एंड ड्रामा ही हैज ऑल्सो कंपोज, ही हैज ऑल्सो कंपोज न्यूमरस लिटरेरी एसेज, क्या लिखा है, न्यूमरस लिटरेरी एसेज, क्रिटिकल है यहाँ जो CRI, न्यूमरस क्रिटिकल लिटरेरी एसेज विच आर रिगार्डेड द मेल स्टोन In the history of, in
history in the field. In the FIE field of literary criticism, LITERAY, literary. क्या रिगार्ड किया था मेल स्टोन एंड द फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न एज ऑफ कब ऑफ मॉडर्न एज बिकॉज इलियट बोल्डली प्रोटेस्टेड boldly protested the earlier tradition of literary criticism criticism given by Aristotle, John Dryden, given by Aristotle, John Dryden, etc. because he believed on the new concept because he believed on the new concept of literary criticism literary criticism which became popular under the title New Criticism. वह क्या लोकप्रिय बनती है New Criticism. Once Eliot said, every great poet in writing of himself, every great poet in writing of himself writes of his age and his statement is truly applicable on his writing. And this is the reason that he is regarded the founder of impersonal
O-R-R, impressionistic. I-M-P-R-E-I-O. N-I. Impressionistic. Approach of criticism. Approach of criticism. चलें देख लें, यहाँ पे लिखा गया है एलियट्स प्रोज एंड क्रिटिकल पीरियड. क्या लिखा गया है? एलियट्स प्रोज एंड क्रिटिकल पीरियड, जो इनके महत्वपूर्ण लिटरेरी आर्टिकल्स हैं, मोस्टली जो लिखे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ ऐसे लिखे गए हैं, जस्ट लाइक टू जैन मिल्टन पैटर्न ऑफ राइटिंग. जो इनका पैटर्न ऑफ राइटिंग था वह कैसा था? जस्ट लाइक टू जैन मिल्टन था. तो लिखा गया है एलियट वॉज वर्सटाइल जीनियस, सो बिहाइंड पोएट्री एंड ड्रामा. वर्सटाइल मीन्स बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यही रीजन था. जस्ट लाइक टू जॉन मिल्टन, जस्ट लाइक टू जॉन जाइजल. हिज इंटेलेक्चुअलिटी वॉज नॉट कन्फाइंड ओनली विद इन द पोएट्री आर यू कैन से विद इन ड्रामा टू. इनका जो बौद्धिकता था वह न तो केवल और केवल कविता में सीमित था, कन्फाइंड था, न तो पोएट्री न तो ड्रामा में. ही हैज ऑल्सो कम्पोज न्यूमरस क्रिटिकल लिटरेरी एसेज, न्यूमरस क्रिटिकल लिटरेरी एसेज विच आर रिगार्डेड द मेल स्टोन इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज ऑफ द मॉडर्न एज. मेल स्टोन इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न हो गया यहाँ पे, मॉडर्न MOD मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज इन द मॉडर्न एज. बिकॉज बोल्डली प्रोटेस्टेड, बिकॉज ही बोल्डली, इन्होंने उसका विरोध किया, प्रोटेस्टेड द अर्लियर ट्रेडिशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज. अर्लियर माने जो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्रिटिसिज था, जैसे कि मैथ्यू आर्नॉल्ड को देखा तो मैथ्यू आर्नॉल्ड वॉज अ मैन ऑफ द ज्यूडिशियल अप्रोच और द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्रिटिसिज्म. बिकॉज ही बिलीव दैट ओनली थिंग्स विच वर स्टेटेड बाई प्लेटो एंड एरिस्टॉटल, होमर एंड लाइकजैक्सन, दे आर गुड, नॉट द रेस्ट ऑफ थिंग्स वर स्टेटेड ऑन लेटर. जो बाद में चीज़ें कही गई वह सही नहीं है, प्रोटेस्टेड द अर्लियर ट्रेडिशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज गिवन बाई एरिस्टॉटल और जॉन राइजर. इन्होंने कहा यह जरूरी नहीं है कि जो अपने पीरियड में उन्होंने दिया, एरिस्टॉटल ने दिया, ट्रेडिशन जो होती है वह बदलती रहती है. तो गिवन बाय एरिस्टॉटल जॉन ड्राइडन इट इज बिकॉज ही बिलीव्ड ऑन द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. यह न्यू कॉन्सेप्ट जो था लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, उस पर भरोसा करते थे. विच बिकेम पॉपुलर अंडर द टाइटल न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि पॉपुलर होता है अंडर द टाइटल न्यू क्रिटिसिज्म कहा जाता है, या जिसे कि मॉडर्न क्रिटिसिज्म कहा जाता है, MODERN CRITICISM, जिसे न्यू क्रिटिसिज्म आप कह सकते हैं, या जिसे आप क्या कह सकते हैं, मॉडर्न क्रिटिसिज्म कह सकते हैं. वंस एलियट सेट, एक बार एलियट महोदय ने कहा था कि एवरी ग्रेट पोएट इन राइटिंग ऑफ हिमसेल्फ, हर एक अच्छा कवि, हर एक बड़ा कवि, एवरी ग्रेट पोएट इन राइटिंग ऑफ हिमसेल्फ राइट्स ऑफ हिज एज. हर एक बड़ा कवि जब वह अपने बारे में लिखता है तो अंततः वह किसके बारे में लिखता है? अबाउट हिज एज के बारे में लिखता है. कहे कि मैन को देखें तो एक्चुअली मैन इज अ प्रोजेनी ऑफ द सोसाइटी, प्रोजेनी ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी इन विच ही लिव्स. हिज आइडियाज, हिज इमोशंस, हिज कंडीशंस ऑफ लाइफ, मेंटलिटी एंड अप्रोच ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज बीइंग अफेक्टेड बाय द फोर्सेस ऑफ द सोसाइटी इन विच ही इज लिविंग. एलियट महोदय का मानना था कि जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है, कहीं ना कहीं उस समाज से वह भरपूर मात्रा में प्रभावित होता है. हम और आप देखें, इस मॉडर्न एज में जी रहे हैं, अभी जिसको हम पढ़ेंगे द मॉडर्निस्ट मूवमेंट पढ़ेंगे, तो जो भी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न एज हैं, कहीं ना कहीं देखें, और आइडियाज, इमोशंस और थिंकिंग्स आर रिलेटेड टू सच टेंडेंसीज ऑफ आवर लाइफ एंड सोसाइटी. हमारे जीवन की जो भी सोच, जो विचारधारा है, जो चिंतन शैली है, वह किससे जुड़ी हुई है? वह इन्हीं सबसे जुड़ी हुई होती है. तो इन्होंने कहा, एलियट वन सेड एवरी ग्रेट पोएट इन राइटिंग ऑफ हिमसेल्फ राइट्स ऑफ हिज एज. वह अपने बारे में लिखता है लेकिन अंततः अपने युग के बारे में लिखता है. एंड हिज स्टेटमेंट इज ट्रूली एप्लीकेबल ऑन हिज राइटिंग, और इनका यह जो कथन है वह पूरी तरह से एप्लीकेबल है. एंड दिस इज द रीजन दैट, शायद यही कारण है कि ही इज रिगार्डेड द फाउंडर ऑफ, इन्हें क्या माना जाता है, द फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, किसका? इम्पर्सनल और इम्प्रेशनिस्टिक अप्रोच ऑफ क्रिटिसिज, जो इम्पर्सनल है, इम्प्रेशनिस्टिक अप्रोच है ऑफ क्रिटिसिज, क्योंकि एलियट महोदय ने कहीं भी पर्सनल थिंग्स को कन्वे नहीं किया गया है
अप्रोच ऑफ क्रिटिसिज्म। तो अब चलिए यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ इलियट्स क्रिटिसिज्म। जो इलियट का लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको मिटा दिया जा रहा है। इलियट का लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी चीफ करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जस्ट एज इन पोएट्री एंड ड्रामा टू इलियट वॉज एन इम्पर्सनल गाय, एन इम्पर्सनल पोएट। ही वॉज नॉट बींग इम्प्रेस्ड और अटैच टू द थिंग्स विच वर प्रिवेल इन द प्रेजेंट सोसाइटी। वर्तमान की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना था, इलियट महोदय कहीं से अपने को प्रभावित नहीं करते हैं और ऑब्जेक्टिव पोएट्री को ही प्रियॉरिटी देते हैं, इम्पर्सनल पोएट्री को ही प्रियॉरिटी देते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, तो इम्पर्सनैलिटी या पोएट्री में इन्होंने दिया भी है कि पोएट्री जो होती है, पोएट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। यह कवि का दायित्व होता है कि वह अपने को उन चीज़ों से अलग रखे जिसका वह डिस्क्रिप्शन माने जिसका वह वर्णन करने जा रहा है। तो इलियट महोदय का जो पोएटिक आउटपुट था, जैसे आपने देखा, वह हाईली क्या इम्पर्सनल है। जो इनकी इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं अभी आगे उनको पढ़ा जाएगा, तो वह हाईली इम्पर्सनल हैं। उसी तरह से देखें इलियट महोदय के प्लेज हैं हाईली इम्पर्सनल हैं। द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी इज ब्यूटीफुली रिप्रेजेंटेड बाय द पोएट। इन्होंने समाज का जो सत्य था उसको बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित करने का प्रयास किया है। अब देखें हिज इम्पोर्टेंट क्रिटिकल वर्क्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है उनको लिख लें, हिज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्रिटिकल वर्क्स आर एज हिज इम्पोर्टेंट क्रिटिकल वर्क्स आर एज फॉलोज। नंबर एक सबसे महत्वपूर्ण है ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपको पढ़ाया भी जाएगा, 1919 का है, दो बार इसका रिवीजन करते हैं इलियट महोदय, लिखाया जाएगा। नेक्स्ट है पोएट्री एंड ड्रामा। नेक्स्ट है पोएट्री एंड ड्रामा। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड है द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, द एफ यू एन द फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट है द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स, द इंग्लिश मेटाफिजिकल द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स हो गए। नेक्स्ट अभी इसमें से पढ़ाए जाएंगे द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स। नेक्स्ट द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, द ऑफ इनका तो केवल नाम आप याद रखें, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म हो गया। नेक्स्ट द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूजेज ऑफ क्रिटिसिज्म, द यूजेज ऑफ पोएट्री द ऑफ यूजेज ऑफ पोएट्री एंड द यूजेज ऑफ क्रिटिसिज्म। एंड द यूजेज ऑफ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी, द आइडिया ऑफ द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन नाइनटीन थर्टी नाइन। नेक्स्ट है नोट्स टूवर्ड्स अ डिफिनेशन ऑफ कल्चर, नोट्स टूवर्ड्स नोट्स टूवर्ड्स अ डिफिनेशन ऑफ कल्चर, अ डिफिनेशन ऑफ कल्चर 1948 का है। नेक्स्ट
ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, नाइन्थ है ऑन ऑन पोएट्री एंड ऑन पोएट्री एंड पोएट्स 1947 सेलेक्टेड एसेज सेलेक्टेड एसेज 1951 के नेक्स्ट टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक्स जो महत्वपूर्ण है वही लिखाया जा रहा है टू क्रिटिसाइज टू criticize the to criticize the critics 1965 lost critical lost critical creation creation of Eliot published before his death चले देख ले अब इसके बाद एज अ पोएट शुरू हो जाएगा वहाँ पे जो डिस्कशन हो जाएगा चीफ करेक्टरिस्टिक्स एज अ पोएट एज अ मॉडर्निस्ट पोएट है तो यहाँ पे लिखा गया है इलियट्स प्रोज एंड क्रिटिकल पीरियड यह जो पीरियड पढ़ रहा है आपको बताया गया था कि इलियट्स लिटरेरी करियर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरी द पोएट्री द पोएटिक पीरियड द ड्रामेटिक पीरियड या द पीरियड ऑफ ड्रामा द पीरियड ऑफ पोएट्री एंड द पीरियड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दो को शॉर्ट में आपने पढ़ा है ब्रीफिंग अभी की गई है डिटेल में डिस्कशन होगा तो यहाँ पे इलियट्स प्रोज एंड क्रिटिकल पीरियड लिखा गया है 1919 टू 1965 है हिज इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क्स आर एज फॉलोज नंबर एक ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ाया जाता है डिटेल वह यह है उसके बाद पोएट्री एंड ड्रामा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पोएट्री एंड ड्रामा द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म आलोचना के क्या माने कार्य होते हैं द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स यह भी महत्वपूर्ण है 1999 का है आगे तो पढ़ाया जाएगा The frontiers of criticism, the usage of poetry and the usage of criticism. The idea of a Christian society. Next notes towards definition of culture ho gaya. Next on poetry and poets 1947 ka hai. Selected essays 1951 ke hai. Next hai to criticize the critics. Yeh kab ka hai? 1965. Yahan last mein na dikhai de raha hoga. Yahan likha gaya hai. कि लॉस्ट क्रिटिकल क्रिएशन ऑफ इलियट पब्लिश्ड बिफोर हिज डेथ यह जो अंत में लिखा गया वह क्या है लॉस्ट क्रिटिकल क्रिएशन ऑफ इलियट पब्लिश्ड बिफोर हिज डेथ उनकी मृत्यु के ठीक पहले प्रकाशित होने वाला अंतिम इनकी आलोचनात्मक रचना थी अब चले देख लें तीन पीरियड आपने यहाँ पे देखा शॉर्ट में डिस्कशन किया गया द पीरियड ऑफ पोएट्री या पोएटिक पीरियड ड्रामेटिक करियर और पीरियड एज अ क्रिटिक अब यहाँ पे जो डिस्कशन होगा इलियट एज अ पोएट इलियट एज अ मॉडर्निस्ट पोएट तो पहले यह देखा जाएगा कि व्हाट इज द ट्रू सेंस ऑफ मॉडर्निटी एंड व्हाट द पीपल थिंक अबाउट इट व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द लिटरेचर ऑफ द 20th सेंचुरी एंड व्हेन द मॉडर्निटी बिगन टू ग्रो इन द ब्रिटिश सोसाइटी एंग्लो सोसाइटी आर यू कैन से इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर तो यहाँ पे अभी हेडिंग्स लिखी जाएंगी इलियट एज अ मॉडर्न पोएट तो मॉडर्न पोएट में क्या क्या क्वालिटी इन पे शॉर्ट में ही सही जो पॉइंट्स हैं वह नोट किए जाएंगे अब उसके बाद फिर इनकी इम्पोर्टेंट पोएम्स पे डिस्कशन चालू होगा तो चले देख लें पहले क्या लिखा जा रहा है जो इलियट को रिगार्ड किया जाता है इसमें लेक्चर दिया जाएगा इलियट एज अ मॉडर्न पोएट ये केवल हेडिंग्स होंगी टी एस इलियट एज अ मॉडर्न पोएट पहला इलियट को क्या कहा जाता है मॉडर्न पोएट कहा जाता है जो दूसरा पॉइंट होगा वह क्या होगा द मॉडर्निस्ट मूवमेंट द एम ओ डी ई आर एन द मॉडर्निस्ट मूवमेंट
अब जब मॉडर्निस्ट मूवमेंट पढ़ा जाएगा यह देखा जाएगा कि इन चार शब्दों में अंतर क्या है। मॉडर्न, मॉडर्निटी, मॉडर्निस्ट, मॉडर्निज्म, चार शब्द हो जाते हैं। अभी इनके बारे में देखा जाएगा। यहाँ पे भी जो कि मॉडर्न है यहीं से डिस्कशन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट जो होगा वह क्या होगा, फोर्थ होगा 20th सेंचुरी लिटरेरी मूवमेंट। यह क्या है 20th सेंचुरी लिटरेरी मूवमेंट्स, यह क्या है 20th सेंचुरी लिटरेरी मूवमेंट्स, कौन कौन प्रमुख थे वह देखा जाएगा। नेक्स्ट देखें तो इलियट एज एन अर्बन पोएट, एज तो हो गया एन अर्बन पोएट, एन यह भी आता है अर्बन पोएट, इन्हें नगरीय कवि कहा जाता है, इस पर भी लेक्चर होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो होगा सिंबल्स एंड मिथ्स, symbol सिंबल्स एंड मिथ्स, इन हिज क्रिएशंस, इन हिज किसको पढ़ा जाएगा, सिंबल्स एंड मिथ्स इन हिज क्रिएशंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है अ क्लासिकल मॉडर्न पोएट इलियट एज अ इलियट एज अ क्लासिकल मॉडर्न, क्या हो जाएंगे इलियट एज अ क्लासिकल मॉडर्न पोएट हो जाएंगे। नेक्स्ट इलियट्स लैंग्वेज एंड वर्सिफिकेशन, इलियट्स लैंग्वेज एंड वर्सिफिकेशन, या इसको लिख दिया जाए अंतर आ जाएगा। इलियट्स लैंग्वेज एंड वर्सिफिकेशन एंड यह क्या हो गया इलियट्स लैंग्वेज एंड वर्सिफिकेशन। इलियट्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, यह भी महत्वपूर्ण है, इलियट्स इलियट्स आर्ट ऑफ ऑफ इलियट्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट इलियट मोर रियल देन द रियलिटी इटसेल्फ, इलियट मोर रियल देन द रियलिटी देन द मोर रियल देन द रियलिटी इट मोर रियल देन द रियलिटी इट सेल्फ। नेक्स्ट जो हेडिंग है इलियट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ या टी टी एस इलियट द रिप्रेजेंटेटिव आर ई टी एस इलियट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 20th सेंचुरी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 20th सेंचुरी सोसाइटी। आप चले देख लें इलियट को रिगार्ड किया जाता है द ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोएट रिगार्ड किया जाता है। तो जो हेडिंग्स हैं पहले उनको हम देख लें समझ लें। यहाँ क्या लिखा गया है कि इलियट्स ड्रामेटिक कैरियर, यहाँ पे इलियट्स सॉरी अभी तो पीरियड वही लिखा रह गया, सॉरी यह गलत हो गया, पोएटिक कैरियर हो गया यहाँ पे, इलियट्स ड्रामेटिक कैरियर नहीं मिटाया गया, यहाँ क्या होगा इलियट्स पोएटिक कैरियर। अब यहाँ पे डिटेल चलेगा, अभी तक जो डिस्कशन चला वह क्या था, वह शार्ट में चला, सॉरी यहाँ ध्यान नहीं दे पाए, यह क्या है पी ओ ई टी आई सी, यहाँ अब जो स्टडी कर रहे हैं आप यह वह क्या है पी ओ ई यह है टी आई सी, यहाँ पे पोएटिक करियर की स्टडी चल रही है एलियट्स पोएटिक करियर। तो अब एलियट्स पोएटिक करियर में हम जिसकी स्टडी करेंगे
क्रमशः वह क्या होगा, इलियट एज अ मॉडर्न पोएट, तो यह दोनों एक में हो जाएंगी। वैसे सामान्यतया पढ़ते हैं कि इलियट इज रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्निटी विच बिगिंस फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा एंड रिमेन टिल द हाफ ऑफ द 20th century। इलियट को देखें, रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है किसका, मॉडर्न पोएट, मॉडर्निस्ट मूवमेंट या जो मॉडर्निज्म है। तो पहले यह देखा जाएगा कि व्हाट इज द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म मॉडर्न, मॉडर्निटी, मॉडर्निस्ट, मॉडर्निज्म, यहाँ यह डिस्कशन होगा। दूसरा देखें, टी एस इलियट एज 20th century लिटरेरी मूवमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 20th century लिटरेरी मूवमेंट हो गए। एन अर्बन पोएट, इलियट को क्या अर्बन पोएट रिगार्ड किया जाता है और इट इज़ ट्रूली एप्लीकेबल, दिस टाइटल इज ट्रूली एप्लीकेबल ऑन टी एस इलियट बिकॉज सपोज दैट यू आर रीडिंग द इलियट्स पोएट्री आर द ड्रामा, इलियट्स पोएटिक वर्क्स और द ड्रामेटिक वर्क्स, देन यू विल फाइंड दैट दे आर टोटली सेंटर्ड ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्बेनिटी, ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्बेनिटी, नॉट द रूरलिज, नॉट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द पास्टोरल रूरल एरियाज। तो इलियट को एक अर्बन पोएट रिगार्ड किया जाता है। नेक्स्ट, सिम्बल्स एंड मिथ्स इन हिज क्रिएशंस, अपनी रचनाओं में इन्होंने सिम्बल्स यूज किया है, मिथ्स यूज किया है, जो है वह क्या है इसको देखा जाएगा। और क्लासिकल पोएट, एलियट को क्लासिकल पोएट रिगार्ड किया जाए कि न रिगार्ड किया जाए, आर्नाल्ड महोदय होते तो वो इसका वारा नारा कर देते। नेक्स्ट है एलियट्स लैंग्वेज एंड वर्सिफिकेशन, इसको देखा जाएगा। नेक्स्ट है एलियट्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, तो एलियट्स जो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन है, इन्होंने उस कैरेक्टर को लिया है कि हिज कैरेक्टर्स आर रियली मोर रियल दैन द रियलिटी इटसेल्फ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रूली एप्लीकेबल ऑन द कैरेक्टर आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन ऑफ टी एस इलियट। इलियट के कैरेक्टर्स या आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन में यह पूरी तरह से लागू होता है। नेक्स्ट देखें, और क्लासिकल मॉडर्न पोएट लैंग्वेज डिक्शन सॉरी आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन मोर रियल दैन द रियलिटी इटसेल्फ, यहाँ दो चार पात्रों का नाम समझाया जाएगा देखा करके। नेक्स्ट है इलियट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 20th century सोसाइटी, इलियट को देखें तो ट्रूली रिगार्ड किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 20th century सोसाइटी, इन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो अब डिटेल डिस्कशन होगा इलियट एज अ मॉडर्न पोएट, जैसा कि आपने देखा है। इसके बाद जैसे ही यह डिस्कशन बहुत नहीं चलेगा, एक वीडियो, उसके बाद जो इनकी प्रमुख कविताएं हैं, जो भी टाइम टेकिंग पोएम है इलियट में, वह क्या है आप जानते हैं, द वेस्ट लैंड, द लॉन्गेस्ट पोएटिक क्रिएशन ऑफ टी एस इलियट। अगर इनकी रचनाओं में देखें जो मोस्ट लेंदी पोएटिक क्रिएशन है वह क्या है, वह द वेस्ट लैंड है। तो द वेस्ट लैंड में ही जो टाइम लगता है, दो वीडियो, तीन वीडियो, अन्यथा इनकी जो रिमार्केबल पोएम्स हैं, नॉट मोर देन 7 to 10 वीडियोज, अगर द वेस्ट लैंड को छोड़ दिया जाए तो 7-8 वीडियो में, 10 वीडियो में इनका पोएटिक करियर अब सिमट जाता है। उसके बाद इनके प्लेज बचते हैं और एक दो रचनाएं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, जस्ट लाइक टू आर्नाल्ड, इनकी लिटरेरी फ्रेजेज पढ़ाई जाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, तो चले ठीक है। फिलहाल अब आज का प्रश्न देख लें, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन अब जो होगा वह कब होगा, नेक्स्ट वीडियो से होगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है, आर्नाल्ड हैज मोस्टली गिवन हिज लिटरेरी फ्रेजेज इन हिज क्वेश्चन नंबर एक, आर्नाल्ड हैज मोस्टली गिवन हिज लिटरेरी फ्रेजेज इन, ज़्यादातर इनकी जो फ्रेजेज हैं वह किस रचना में हैं, आपको यह बताना है, क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर दो है, आर्नाल्ड है डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट हिज, आर्नाल्ड हैज डिस्कस्ड हैज, आर्नाल्ड हैज डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट हिज लिटरेरी फ्रेजेज About his literary in his creation. किस रचना में इन्होंने उनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो थर्ड है, अकॉर्डिंग टू आर्नाल्ड
Touchstone method means, according to Arnold, Touchstone method means, इसका मतलब क्या है आपको बताना है. Touchstone method means क्या है. Homer was the grand master of grand style. Homer was the grand master of grand style. A statement of is a इज आई स्टेटमेंट ऑफ यह किसका कथन है. सर ऑफ ग्रैंड स्टाइल. नेक्स्ट आर्नोल्ड्स ग्रैंड स्टाइल इज सेम टू आर्नोल्ड्स ग्रैंड स्टाइल यह किसके समान है. तो चले देख लें. यहाँ आज के प्रश्न लिखे गए हैं. इन प्रश्नों को एक बार पुनः पढ़ के बता दिया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से एलियट के बारे में डिटेल डिस्कशन प्रारंभ होगा. आर्नोल्ड हैज मोस्टली गिवन हिज लिटरेरी फ्रेजेज इन. आर्नोल्ड महोदय ने मोस्टली अपनी लिटरेरी फ्रेजेज को किसमें दिया है. नेक्स्ट आर्नोल्ड हैज डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट हिज लिटरेरी फ्रेजेज इन हिज क्रिएशन. किन रचनाओं में डिस्कशन किस रचना में इन्होंने डिटेल डिस्कशन किया है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड टचस्टोन मेथड मीन्स. टचस्टोन मेथड का मतलब क्या होता है. नेक्स्ट है होमर वॉज द ग्रैंड मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल इज अ स्टेटमेंट ऑफ यह किसका कथन है. नेक्स्ट है आर्नोल्ड्स ग्रैंड स्टाइल इज सेम टू जो आर्नोल्ड का ग्रैंड स्टाइल है वह किसके समान है. तो यद्यपि यह जो प्रश्न जहाँ पे लिखे गए हैं आपको दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मिस्टर मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ क्रिटिक आर हिज असेसमेंट अबाउट द डिफरेंट पोएट्स ऑथर्स और ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आर द फ्रेजेज गिवन बाय हिम. यह प्रश्न उनसे जुड़े हैं या तो जो उन्होंने फ्रेज दिया है उससे जुड़े हुए हैं या जो उनका असेसमेंट रहा उससे जुड़े हुए हैं. लेकिन जो टॉपिक ऑफ स्टडी आप कर रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं वह किससे जुड़ा हुआ है. वह एलियट्स पोइटिक कैरियर आप पढ़ने जा रहे हैं. अब एलियट्स जो पोइटिक कैरियर है उसमें देखें तो नेक्स्ट थिंग्स नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पुनः आप तक पहुँचेंगे. तो आज का क्लास यहीं तक. ओके बेस्ट ऑफ लक गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. बाय.